ओके सो हे गाइस, वस्सा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज़ करूँगा, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा। तो आप सिंपली वीडियो देखने बाद जगह डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को दे दिया है। फिर उसके बाद गाइस, आप सभी को इस बैकग्राउंड को लेकर चले जाना है ऐसे ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में ले जाने के बाद गाइस, आप सभी को यहाँ से चले जाना है ऐड फोटो में। एंड गाइस, ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को अपने यहाँ पे मॉडल को ऐड कर लेना है। एंड गाइस, मॉडल को जो ऐड करने के बाद गाइस, आप सभी को कुछ इस टाइप से आप सभी को मॉडल को रख देना है। एंड गाइस, जो मॉडल का जो मतलब मॉडल के नीचे जो आपको शेडो बनानी हो, किस टाइप से बनानी है, तो गाइस आप थोड़ा वो ध्यान से देखना, क्योंकि यार यहाँ पे हम एक लेयर में शेडो नहीं बनाएंगे, ठीक है? तो क्योंकि यार यहाँ पे क्या होता है कि एक लेयर में ना मतलब कि थोड़ा मतलब कि एक लेयर में जब हम शेडो बनाते तो यार वो कहीं डार्क हो जाता है, कहीं पे मतलब ज़्यादा हल्का हो जाता है। तो हम इसलिए ज़्यादा मतलब 2-3 लेयर में शेडो बनाते हैं। तो गाइस चलिए, अब बनाते हैं शेडो। तो यहाँ पे एक इम्प्लीट लेयर बना लेते हैं पहले हम, और इसको लेके चलते हैं यहाँ पे अपने मॉडल के नीचे। एंड उसके बाद गाइस, यहाँ पे हम जाएंगे ब्रश में। ब्रश में जाने के बाद आप पहले तो हम स्मूथ वाला ब्रश ले लेंगे, इसकी साइज़ फुल रख लेंगे। एंड ओपेसिटी जो है गाइस, इसके अराउंड रखेंगे हम 14 से 15 तक, ठीक है? उसके बाद आप फिर क्या करेंगे, फोटो को जूम करेंगे। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे की तरफ कुछ इस टाइप से ऐसे मतलब कि इसी एरिया में ऐसे शेडो क्रिएट करेंगे, ठीक है? तो ऐसे ऐसे कर लेते हैं। एंड जहाँ जहाँ पे चाहिए गाइस, पहले हम वहाँ वहाँ पे कर लेते हैं। मतलब कि ये कि गाइस, आप सभी को जहाँ जहाँ शेडो चाहिए, जैसे कि देखिए चारों तरफ मतलब कि जहाँ जहाँ पे शेडो की जरूरत है, पहले तो वहाँ वहाँ पे आप सभी को अच्छे तरीके से एकदम शेडो क्रिएट कर देनी है, ठीक है? मतलब कि एक ही लेयर में करनी है। एंड एक एक जगह पर कम से कम 2 से 3 बार पेंट करना है, ज़्यादा पेंट मत करना, नहीं तो उस जगह पर ज़्यादा डार्क हो जाएगी तो यार वो शेडो अलग ही दिखेगी। फिर आप बना लेंगे हम यहाँ पे एक और इम्पिटी लेयर। अब इस लेयर में क्या करना है, आपको थोड़ी सेटिंग चेंज करनी है गाइस। जो ओपेसिटी है जिसको आपको अराउंड रखना है 10 तक, और उसको गाइस जो लेयर थी उसको आपको मॉडल के ऊपर ही रखना है, ठीक है? एंड उसके बाद ऐसे आपको जहाँ जहाँ पे आप अपने शेडो बनाई थी वहीं वहीं पे ऐसे ऐसे पेंट कर देना है, ठीक है? ऐसे मतलब कि इससे क्या होगा, जो अभी हमने दूसरी वाली लेयर में जो हमने शेडो बनाई थी, ये वाली शेडो और दो वाली शेडो दोनों मतलब मैच हो जाएंगी, और इससे मतलब ये होगा कि आप मतलब कि पता भी नहीं चलेगा कि हमने कोई पीछे शेडो बना रखी है, ठीक है? तो ऐसे इस तरीके से आप सभी को भी शेडो बना देनी है। एंड फिर क्या करना है गाइस, आप सभी को मैं थोड़ा हैंड के पास बना दूँ। अब देखिए गाइस, यहाँ पे हमारे शेडोज एकदम परफेक्ट तरीके से बन चुके हैं, ठीक है? तो अब कर देंगे हम यहाँ पे डन, ठीक है? तो डन कर देने के बाद गाइस, अब हम जाएंगे यहाँ से ऐड फोटो में। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, यहाँ से हम ले लेंगे एक विगनेट का पीएनजी, ठीक है? तो उसको हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। एंड इसको ऐड करने के बाद गाइस, आप सभी को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको फुल स्क्रीन करके कुछ इस टाइप से रख देना है। एंड ऑटोमेटिकली कुछ इस टाइप से ऐड हो जाएगा, ठीक है गाइस? यहाँ पे परफेक्ट है। अब क्या करना है, आप सभी को इसको कर देना है यहाँ पे डन। एंड उसके बाद गाइस, आप सबको अब क्या करना है, अब अपने इसको फोटो को लेके चले जाना है पे टूल्स में। फिर टूल्स में ले जाने के बाद गाइस, एडजस्ट में ले जाना है। एडजस्ट में ले जाने के बाद आपको उसकी ब्राइटनेस को बढ़ा देना है। इरेजर टूल में जाना है, इसको इन्वर्ट कर देना है। ब्रश को लेना है, साइज को अपने अकॉर्डिंग रख लेना है। एंड फोटो को जूम करना है। एंड उसके बाद गाइस, आप सबको ऐसे और एक ऐसे इस तरीके से ऐसे पेंट करना है, ठीक है? एंड उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा साइज को छोटा करेंगे। एंड उसके बाद हम थोड़ा सा हैंड के ऊपर पेंट करेंगे। सॉरी गाइस, ये ज़्यादा छोटा हो गया यहाँ पे, तो थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं। एंड उसके बाद कुछ इस टाइप से एक पेंट यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है? तो इतना परफेक्ट है। अब यहाँ पे हम डन करते हैं। एंड जो गाइस, इसकी जो ओपेसिटी जो मतलब कि इसको रखेंगे हम अराउंड कुछ 8 तक, ठीक है? अब यहाँ पे हम कर देते हैं डन, ठीक है? तो अब इस फोटो कर लेते हैं सेव। एंड इसको लेके चलते हैं हम लाइट रूम ऐप के अंदर। तो गाइस, लाइट रूम ऐप में ले जाने के बाद गाइस, आप सबको फिर क्या करना है, आप सबको चले जाना है इस लाइट वाले ऑप्शन में। इसका जो कॉन्ट्रास्ट है गाइस, आप सबको बढ़ा देना है, हाईलाइट को बढ़ा देना है, शेडो को बढ़ा देना है, वाइट को बढ़ा देना है, फिर ब्लैक है जो गाइस इसको कम कर देना है। फिर से चले जाना है कलर्स वाले ऑप्शन में, फोटो जो वाइब्रेशन है इसको बढ़ा देना, टेम्परेचर को माइनस कर देना। फिर कलर मिक्स में जाके और कलर को सेलेक्ट करके इसका सैचुरेशन माइनस कर देना। फिर येलो कलर में जाना, इसका ह्यू माइनस, सैचुरेशन प्लस। फिर उसके बाद चले जाना डार्क ब्लू में, इसका ह्यू माइनस कर देना है, ठीक है? एंड उसका सैचुरेशन प्लस कर देना है। फिर पर्पल कलर में जाना है, एंड इसका सैचुरेशन माइनस कर देना है। एंड यहाँ पे कर देना है डन। ओके, इतना कर देने के बाद आप सबको चले जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी है इसको बढ़ा देना है। एंड जो फोटो में विग्नेट है वो डाल देना है, ठीक है? एंड उसका नीचे स्क्रॉल करोगे आपको ग्रीन अमाउंट मिल जाएगा गाइस, इसको भी बढ़ा देंगे हम। एंड उसके बाद चले जाएंगे हम नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस है गाइस इसको बढ़ा देंगे हम। एंड गाइस, जो नोड डायरेक्शन है हम इसको भी बढ़ा देंगे, ठीक है? एंड इसका नीचे स्क्रॉल करेंगे हमें कलर नोड डायरेक्शन मिल जाएगा, तो गाइस हम इसको भी बढ़ा देंगे। तो गाइस, फाइनली जो फोटो का रिजल्ट आया वो आप सभी के सामने है। तो गाइस, ऐसा करता हूं, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए गाइस, मैं मिलता हूं सबसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।